जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती, बिहार शंकर चक्रवर्ती, अपने चैनल बॉम कलिंग फोटल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। कुछ दिन पहले हम पूरी गए थे जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए, और वहाँ पर पौष मास चल रहा है, हमें बहुत प्रकार के भोग मिले। हमने पहली भोग खाया और मुझे कुछ ऐसे भोग की जानकारी वहाँ से चाहिए थी जिसका प्रोसेस तो मुझे मालूम था। उसमें से एक भोग बहुत ही फेमस भोग है पूरी का, उसका प्रोसेस तो मुझे मालूम था, लेकिन मुझे लगा शायद मैं एक स्टेप मिस कर रही हूँ। तो सारी चीज़ों की जानकारी मुझे चाहिए थी, और उसके साथ साथ मुझे और कुछ भोग के बारे में भी पता चला, जिसको मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कुछ तो इस महीने शेयर करूँगी और कुछ रथ यात्रा के वक्त शेयर करूँगी, और उसमें से एक भोग आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, और वो है मूड़ा रायता। दही, मूली और फ्रूट्स के साथ बनने वाला ये भोग पौष मास में काफ़ी डिमांड में रहता है, और ये जगन्नाथ जी के पास पंचोपचार में भोगो मंडप भोग में भोग होता है, जिसको कि भौंड भोगो कहा जाता है। भौंड भोगो वो होता है जो जनता के बीच बांटने के लिए रखा जाता है, या फिर जनता उसको खरीदते हैं। ये राजभोग नहीं होता, इसके बारे में बहुत पहले मैं बता चुकी हूँ कि राजभोग और भौंड भोग में फ़र्क क्या होता है। तो ये भौंड भोगों का भोग है और आसानी से आपको मिल जाएगा आनंद बाज़ार में। तो अगर आप पौष मास में जगन्नाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं तो इस भोग का आनंद ज़रूर उठाएं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मूड़ा रायता। तो मूड़ा रायता बनाने के लिए जो जो सामग्री हमें चाहिए हम सब यहाँ पर रखे हुए हैं। दीज आर द एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट्स जो इस भोग में जाता है, सबके सब मैंने रखा है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी मूली। यहाँ पर मैंने एक मूली लिया हुआ है, लेकिन एक मूली मैं डालूँगी नहीं इस रायता में, आधा ही डालूँगी। और इसके साथ जो फ्रूट्स जाते हैं, यहाँ पर मैंने चार फ्रूट्स ले रखे हैं, वो हैं अंगूर, और ये है अनार, ये एप्पल है, और ये है संतरा। अभी हमें क्या करना है, सारी चीज़ों को छोटे छोटे करके काट लेना है, लेकिन मूली को सबसे पहले के छीलना है। जैसा मैंने कहा कि मैं आधा डालूँगी, पूरा नहीं डालूँगी, और उसको हमें ब्लांच करना है, मतलब उसको थोड़ा उबालना है, उसके बाद उसको स्क्वीज करके डालना है। और यहाँ पर हमने लिया हुआ है दही, एक कप दही, चीनी हमने यहाँ पर लिया है, शक्कर आप अपने हिसाब से मीठा डाल सकते हैं, और यह है खोया, कंपलसरी है खोया, और ये होममेड खोया है, और ये है आम अदरक, इसको तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। जो उसका टेस्ट आता है, फ्लेवर आता है, इसी आम अदरक से आता है, तो आम अदरक कंपलसरी है, उसको डालना है। और ये है अदरक, और इसके बाद ये है धनिया पत्ता, ये नमक, और ये है भुना हुआ जीरा। जगन्नाथ मंदिर में मिर्च का इस्तेमाल नहीं होता किसी भी फॉर्म में, तो सिर्फ भुना हुआ जीरा ही इसमें जाता है, तो हम भुना हुआ जीरा इसमें डालेंगे। और अभी मैं क्या करती हूँ, इस मूली को अच्छी तरीके से ब्लांच कर लेती हूँ और फ्रूट्स को काट लेती हूँ, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे फ्रूट्स को अच्छी तरीके से काट लिया। एप्पल को मैंने उस स्किन रखा है, आप चाहें तो उसका छिलका निकाल सकते हैं। अंगूर को यहाँ पर मैंने काट लिया है, मतलब संतरा को भी काट लिया है, और अनार को उसको छील के निकाले। और ये है अदरक, उसको हमने अच्छी तरीके से ब्लांच कर लिया है और उसको अच्छी तरीके से निचोड़ भी लिया है, बिल्कुल पानी नहीं है इसमें। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे दही। अभी मैं इसको थोड़ा साइड कर लेती हूँ। तो दही को हमने अच्छी तरीके से फेंट लिया है, और फेंटा हुआ दही इसमें चाहिए, और बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो हम प्रोसेस दही का इस्तेमाल करते हैं जो हमें मिलता है, लेकिन मंदिर में गाय का जो दही होता है उसको कहा जाता है गुआ दही, उसका इस्तेमाल होता है। उसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है, लेकिन जो अलग होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी हम एक एक करके फ्रूट्स इसमें डालेंगे। ऐसा नहीं है किसी को आगे डालना है, किसी को पीछे डालना है, आप किसी को भी पहले डाल सकते हैं। सारे फ्रूट्स हम डाल देंगे, मूली भी डाल देंगे, अनार हम आधा डालेंगे, और थोड़ा गार्निश के लिए हम रखेंगे, क्योंकि मंदिर में भी इसी तरीके से मिलता है। उस रायते के ऊपर थोड़ा धनिया, थोड़ा अनार का जो दाना है, वो अच्छी तरीके से गार्निश करके देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मंदिर में भी अच्छे से गार्निश करके देते हैं। तो अभी हम सारी चीज़ों को अभी अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और जो खोया इसमें जाता है, जैसा मैंने कहा, ये होममेड खोया है और फ्रेश खोया है, बाहर से हम बिल्कुल भी नहीं लाते। वैसे भी बंगाली फैमिली में आपको छेना, खोया, ये कंपलसरी चीज़ें आपको हर घर में मिल जाएंगी। तो अभी हम डालेंगे इसमें ये मूली। तो जैसा मैंने कहा कि बंगाली फैमिली में खोया, रबड़ी, मिष्टी दही, मतलब जो मीठा दही है, ये सब मतलब हर किसी के फ्रिज में होगी ही होगी। हम बाहर से कुछ खरीदते नहीं है, हर चीज़ हम घर में बनाते हैं, और खोया भी मैं घर में बनाती हूँ। तो मैंने फ्रेश खोया बनाया है,
तो उसको हम डालेंगे। और जो भी सामग्री मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारे के सारे कंपलसरी आपको डालना है जो मंदिर का ऑथेंटिक स्वाद है उसका स्वाद आने के लिए। तो शक्कर में अभी यहाँ पर 1.5 चम्मच डाल रही हूँ, पाउडर शुगर है, अच्छे तरीके से डिजॉल्व हो जाएगा। और अभी हम डालेंगे इसमें खोया। मीठा आप अपने हिसाब से दें, आप कितना मीठा खाना चाहते हैं, लेकिन मीठा ज़रूर दें क्योंकि इसमें मीठा जाता है, तो ज़रूर मीठा दें। तो अभी हमने खोया डाल दिया है, तो होममेड खोया है, काफ़ी नरम है, कोई मिलावट नहीं, अच्छी तरीके से मिल जाएगी। तो शक्कर खोया डाल के अभी हम इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे। शक्कर और नमक ये दो जो सामग्री हैं इसको आप अपने हिसाब से डालें, आपके टेस्ट के हिसाब से डालें कितना आप डालना चाहते हैं, लेकिन डालें ज़रूर मीठा। तो अच्छी तरीके से अभी हम इसको मिला लेंगे और उसके बाद हम जो बाकी की सामग्री है उसको डालेंगे। सबसे पहले हमने डाला आम अदरक, उसके बाद हम डालेंगे नमक। अभी आम अदरक डाला, अभी हम इसमें डालेंगे अदरक, धनिया पत्ता भी हम आधा डालेंगे और आधा रख देंगे गार्निशिंग के लिए। और ज़ीरा अभी हमने आधा डाला है, ज़ीरा बहुत ज़्यादा मत डालिए, भुना हुआ ज़ीरा है फिर भी ये कड़वा कर लेगा क्योंकि जो जीरे का जो स्वाद होता है वो थोड़ा कड़वा होता है, इसलिए ज़ीरा थोड़ा डालें लेकिन ज़रूर डालें, भुना हुआ ज़ीरा डालें, कच्चा ज़ीरा नहीं डालें। तो अभी हम उसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। जो जो सामग्री हमें इसमें डालनी थी हमने उसको मिला लिया है और बहुत अच्छी तरीके से मिला लिया है और बहुत अच्छी खुशबू अभी आ रही है, जिस तरीके से मंदिर में आ रही थी उसी तरीके की खुशबू बिल्कुल वैसे ही आ रही है, आई होप टेस्ट भी वैसा ही हो। तो अभी हमारा जो रायता है ये बनके तैयार हो चुका है, तो अभी मैं इसको एक जगह पे निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए जो मूड़ा रायता हमने बनाया था ये बनके अभी तैयार हो चुका है और अभी इसके ऊपर हमने जो बचा के रखा था धनिया और थोड़ा अनार का दाना उसको हमने उसके ऊपर गार्निश कर लिया है। और जगन्नाथ मंदिर का जो मूड़ा का रायता है ये बनके तैयार है। आई होप आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी और पौष मास में आप ज़रूर अपने कृष्ण कन्हैया के पास इसको भोग लगा के देंगे, अगर आप जगन्नाथ मंदिर का भोग लगाना चाहते हैं तो। आज के लिए इतना ही, रहते हैं, जय जगन्नाथ, जय माँ काली।